किस तरह से मजीद इंफॉर्मेटिव या फिर मालूमाती बना सकते हैं, इस बारे में हमने पिछली क्लास में देखा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मुतवाजुन मसावात किसे कहते हैं। आज के इस टॉपिक में मसावात को मुतवाजुन करने के कुछ उसूल क्या हैं और मसावात को मुतवाजुन क्यों किया जाए। तो चलिए पहले देखते हैं हम मुतवाजुन मसावात किसे कहते हैं। मुतवाजुन मसावात का मतलब क्या है? एक कीमियाई मसावात जिसमें मसावात के दोनों जानिब हर उनसर के जोहरों की तेदाद मसावी हो, तो उसको कीमियाई मुतवाजुन मसावात कहते हैं। फिर दूसरे अल्फाज में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक कीमियाई मुतवाजुन मसावात वो है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जोहरों की तेदाद मसावी होती है राइट हैंड साइड के अनासिर के जोहरों की तेदाद के। उसको ऐसा लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जो जोहरों की तेदाद होती है वो मसावी होती है राइट हैंड साइड के अनासिर के जोहरों की तेदाद के। तो इस तरह से क्या है, हम कीमियाई मुतवाजुन मसावात क्या है उसको दो तरीकों से बयान कर सकते। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे। पहली मिसाल Fe2O3 प्लस अल्मोनियम Fe प्लस Al2O3 यानी कि अल्मोनियम ट्राई ऑक्साइड। आप देखेंगे कि यह मसावात मुतवाजुन है क्या नहीं है। तो मसावात को मुतवाजुन है ही नहीं है पहचानना है, या फिर मसावात गैर मुतवाजुन है उसको मुतवाजुन बनाना है तो अपने पास कुछ उसूल हैं उसके। उसमें चार उसूल हैं। चार उसूलों में मैं आपको मुख्तसर बताता हूं। पहला उसूल यह है, जब कभी हम मसावात को मुतवाजुन करते हैं, इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो जो मसावात अपने को दी गई होती है वो मसावात को जैसे का वैसा लिखना, यानी कि वो मसावात क्या होती, जो मसावात गैर मुतवाजुन होती उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन यानी कि गैर मुतवाजुन मसावात, गैर मुतवाजुन कीमियाई मसावात क्या होती, वो स्केलेटल इक्वेशन होती, उसको जैसे का वैसा लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या रहता उसमें, सेकेंड पॉइंट जो रहता उस मसावात में, मसावात के लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जोहरों की तेदाद लिखेंगे, फिर मसावात में अनासिर के राइट हैंड साइड में जो अनासिर हैं उनके जोहरों की तेदाद को लिखेंगे। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, Fe2O3 और Al। चलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Fe कितना है, Fe मसावी है 2। अब इधर कितना है, Fe मसावी है 1। O कितने हैं यहां पर ऑक्सीजन, O मसावी है 3। इस तरफ O मसावी कितना है 3। अल्मोनियम, अल्मोनियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1। अल्मोनियम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कितना है 2। तो जो अनासिर के जोहरों की तेदाद दोनों तरफ बराबर है उनको पहले छोड़ दिया जाए। यहां पर देखिए अब इसमें तीसरा उसूल देखेंगे। तीसरा उसूल क्या करना है, इनको लिख दिए, लिखने के बाद तीसरा उसूल यह होता है, अगर मसावात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जोहर हैं तो इन दोनों जोहरों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जोहरों को आखिर में बैलेंस करने के लिए छोड़ दिया जाए। उनको छोड़कर जो दीगर अनासिर होते हैं उन जोहरों को पहले बैलेंस किया जाए, मुतवाजुन किया जाए। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे ये Fe और अल्मोनियम को देखेंगे। अब यहां पर देखिए Fe 2 है, इधर Fe क्या है 1 है, तो जिस तरफ कम है उस तरफ क्या करेंगे हम, बोले सो जोहरों की तेदाद को बढ़ाएंगे। जोहरों की तेदाद को बढ़ाने के लिए हमारा चौथा प्रिंसिपल, चौथा उसूल जो रहता वो क्या रहता, जोहर को बढ़ाने के लिए आप उसके नीचे नहीं लिखेंगे जोहरों की तेदाद, बल्कि क्या करेंगे उसका कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे, यानी कि सिर्फ अदद ही सर को बदल देंगे। यहां पर Fe 1 है
तो एदादी सर को हम अगर बदल देंगे तो यहां पर दो लिखेंगे तो यहां पर भी एफ ई दो हो जाता और यहां पर भी एफ ई क्या हो जाता, दो हो जाता। इधर देखिए यहां पर एफ ई दो है तो हम यहां क्या कह देंगे, जरा एक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दो, यानी कि उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर दो लिखेंगे। मैं इक्वेशन में बताऊं नीचे एफ ई टू ओ थ्री प्लस ए एल गिव्स दो एफ ई जमा ए एल टू ओ थ्री। तो इस तरह से क्या होगा एफ ई दोनों तरफ बराबर हो गए, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी पहले से क्या है दोनों तरफ बराबर है, इनको अभी तो छीने की जरूरत नहीं है लेकिन देखेंगे। अब अपने पास क्या है अल्मोनियम लेफ्ट हैंड साइड में एक है लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है अल्मोनियम दो है, तो अपन क्या करेंगे इधर भी अल्मोनियम को दो करने के लिए उसका अददी सर क्या है दो बना देंगे। यहां पर देखिए एक जरा दो तो ये भी क्या हो गया दो। तो इस तरह से एफ ई टू ओ थ्री जमा दो ए एल गिव्स दो एफ ई जमा ए एल टू ओ थ्री, ये हो गई आपकी मुतवादुन मसावात। तो मसावात को मुतवादुन करने के लिए चार उसूल जहन में रख लेना। पहले जो दी गई मसावात होती है उसको जैसे का तैसा लिखना, जू का तू लिख लेना। दूसरा उसूल जो होता है उसमें क्या करना, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जोहरों की, दूसरे उसूल में क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जोहरों की तादाद और राइट हैंड साइड के अनासिर के जोहरों की तादाद को लिखेंगे। तीसरे उसूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जोहरों को आखिर में बैलेंस करने के लिए छोड़ेंगे। और चौथे उसूल में क्या करेंगे हम उनके सिर्फ जोहरों की तादाद को बराबर करने के लिए उनके अददी सर को चेंज करेंगे। तो इस तरह से क्या होती है ये मसावात बैलेंस होती है। और एक मिसाल देखेंगे हम यहां पर C3H8 में, यहां पर देखिए C3H8 यानी कि प्रोपेन यहां पर प्रोपेन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल हो रहे। पहले ये देख लीजिए आप इसमें कि ये मसावात बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो ये मसावात क्या है गैर मुतवादुन है, ये गैर मुतवादुन मसावात है। आपको इसको क्या करना है बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमारा पहला उसूल क्या है, जो भी मसावात हमारे को दी जाती है उसको हम जैसे का वैसा लिखेंगे, यानी कि मान लीजिए इसको हम जैसे का वैसा लिखिए। उसके बाद दूसरा जो उसूल होता है हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जोहरों की तादाद को और राइट हैंड साइड के अनासिर के जोहरों की तादाद को अलग अलग करके लिखेंगे। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सी कार्बन कितने हैं तीन, हाइड्रोजन कितने हैं आठ, ऑक्सीजन कितने हैं दो। राइट हैंड साइड में ये सी से पहले तीन है तो मतलब क्या हुआ कि कार्बन यहां पर तीन है, सी से पहले तीन का मतलब क्या है ये तीन ऑक्सीजन के साथ भी है, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर ओ मसावी है छह, फिर यहां एक ऑक्सीजन है छह जमा एक इधर टोटल सात है, और हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर दो हैं। अब देखिए जो अनासिर दोनों तरफ बराबर हैं उनको वैसे ही छोड़ दीजिए, कार्बन के तीन जौहर यहां पर भी कार्बन के तीन जौहर, दोनों तरफ तीन तीन जौहर है। अब ये होने के बाद सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जौहरों को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जौहरों को बैलेंस करने में फिर ये दोनों में किसको पहले तरजीह देंगे, किसको पहले बैलेंस करेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आखिर में क्या करेंगे ऑक्सीजन के जोहरों को बैलेंस करेंगे। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के जोहरों की तादाद है आठ और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के जोहरों की तादाद है दो। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, इधर आठ है उधर दो है तो बराबर करने के लिए हमारे चौथे प्रिंसिपल के मुताबिक उसके अददी सर को हम चेंज करेंगे। यहां पर अददी सर जो एक है उसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो चेंज करके क्या लिखेंगे यहां पर चार लिखेंगे,
तो चार दूनी क्या होता आठ, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन आठ हो गए, इधर भी हाइड्रोजन आठ हो गए। अगर यहां पर हम चार लिखेंगे यानी नीचे देखिए सी थ्री एट प्लस ओ टू गिव्स थ्री सी ओ टू जमा चार एच टू। अब ये चार यहां पर आदादी सर को लिखेंगे हम, तो ये चार क्या हो गया ऑक्सीजन के साथ दिया गया, तो ये चार एकन क्या हो गए चार, या चार ऑक्सीजन ये छह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल अब दस हो गए, तीन दुगुनी छह चार एकन चार, छह भी चार कितने हो गए दस हो गए। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की जो होने की तादाद कितनी है दो है, तो इधर दस हो रहे हैं इधर दो हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में यहां O2 से पहले क्या करेंगे पांच लिखेंगे, यानी कि सी थ्री एच एट प्लस फाइव ओ टू गिव थ्री सी ओ टू जमा चार एच टू ओ। इस तरह से क्या हो गए यहां पर पांच लिखने पर इधर भी ऑक्सीजन की जोहरों की तादाद दस हो गई, इधर भी ऑक्सीजन की जोहरों की तादाद दस हो गई। तो इस तरह से हमारी क्या है ये मसावत मुतवाज़ुन कहलाएगी, मुतवाज़ुन मसावत। तो इस तरह से दो मसावतों को हमने देखा, आपके लिए होमवर्क के लिए मैं एक मसावत देता हूं होमवर्क के लिए, ये एस एट जमा ओ टू गिव्स एस ओ टू मुतवाज़ुन कीजिए। इस तरह से हमारे पास ये दो मसावतों के जरिए हमने देखा कि मसावतों को मुतवाज़ुन किस तरह किया जाता है। अब इसमें तीसरी बात है कि मसावत को मुतवाज़ुन क्यों किया जाए, कि मुतवाज़ुन मसावत किसे कहते हैं, मुतवाज़ुन मसावत करने के उसूल क्या हैं, इन उसूलों को अपनाते हुए हमने मसावतों को मुतवाज़ुन किया। अब सवाल यह पैदा होता है यहां पर कि मसावत को मुतवाज़ुन क्यों किया जाए, क्योंकि अपने पास जो कुलिया बकाए कमियत है, कुलिया बकाए कमियत की रूह से जोहरों को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको अग्री करने के लिए हमें मसावत के दोनों जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जोहरों की तादाद को मसावी करना होता है, या दूसरे अल्फाज में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुलिया बकाए कमियत के मुताबिक जोहरों की कमियत तामुल से पहले और तामुल के बाद मसावी होती है। तो इस कुलिये की तस्दीक करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अग्री करने के लिए हमें हर कीमियाई मसावात को मुतवाज़ुन करना जरूरी होता है। ओके okay?